अयोध्या विकास प्राधिकरण ने गुप्तार घाट और सूर्य घाट में बने पार्कों पर भले ही 10 रुपए प्रवेश शुल्क लगा दिया हो, लेकिन इसका असर पार्क में जाने वाले लोगों पर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। पार्क में घूमने वालों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सीएम योगी अयोध्या का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। गुप्तार घाट और सूर्य कुंड में बेहद खूबसूरत पार्क बनाए गए हैं, जहां ओपन जिम और बच्चों के लिए झूले बनवाए गए हैं, जबकि छोटे बच्चों के लिए स्प्रिंग झूले बनाए गए हैं, जो बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत हैं। अगर प्राधिकरण ने 10 रुपये प्रवेश शुल्क लगाया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पार्क की साफ सफाई और सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए बजट भी जरूरी है। वहीं कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भी गुप्तार घाट के पार्क में पहुंचकर अपने बच्चों के साथ एंजॉय किया और कहा कि 10 रुपये प्रवेश शुल्क देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर अयोध्या का विकास हो रहा है तो प्रवेश शुल्क देना ही चाहिए। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जब पार्क में किसी घर से ज्यादा लोग आते हैं तो उनको ज्यादा नुकसान होता है, ऐसे में प्रवेश शुल्क 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये कर देना चाहिए। फिलहाल लोग पार्क में पहुंचकर अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और अब बड़े शहरों में घूमने की बजाय अयोध्या में बने पर्यटन स्थलों पर ही जाना पसंद कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष और कुछ संगठन इस प्रवेश शुल्क का विरोध भी कर रहे हैं। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 10 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क केवल पार्क में जाने के लिए है, गुप्तार घाट या सूर्य कुंड मंदिर में दर्शन पूजन और घाटों पर जाने के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह सिर्फ 5 साल के ऊपर ही लग रहा है, जबकि 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है। हम लोग गुप्तार घाट आए हैं, घूमने आए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, झूलने की भी सुविधा है और साफ सफाई की भी सुविधा है और योगी सरकार ने बहुत अच्छी कार्य की है। बहुत अच्छा लग रहा है, अयोध्या इतना डेवलप हो रहा है तो आते हैं घूमते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। योगी जी का कार्य तो सराहनीय है ही है और लोगों को भी मैं देख रही हूँ, लोगों में भी बहुत उत्साह है कि इतना अच्छे से डेवलप हो रहा है अयोध्या, तो देख के अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है, अब आपको ग्रोथ चाहिए तो शुल्क कोई हर्ज नहीं है मुझे लगता है देने में। ऑब्वियस सी बात है, शुल्क लगा है तो और ग्रोथ होगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। नहीं, शुल्क लगाया गया अच्छी बात है भाई, यहाँ के साफ सफाई की ज़रूरत है और यहाँ पे रख रखाव है, पेड़ पौधे हैं, उनको भी जो है थोड़ा अच्छे ढंग से जो है करना है तो उसके लिए तो पैसा तो चाहिए ही ना। लेकिन ये है कि थोड़ा सा लोगों को जो है 10 रुपये के थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे हैं, बस बहुत अच्छा है सरकार द्वारा जो काम किया गया है, जो ये पार्क है वो बहुत ही अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ भी इकट्ठा है। गुप्तार घाट से पूर्व निर्मित एक पार्क है जिसमें ओपन जिम बनाया गया है और बच्चों खेलने के तमाम सारे उपकरण लगे हुए हैं। वहाँ पर सिर्फ पार्क में एंट्री के लिए फीस लगी है जिसका गुप्तार घाट से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ गुप्तार घाट में चूँकि पार्क स्थित है उसके पहले, इसलिए उसका गुप्तार घाट पार्क नाम दे दिया गया है। रही दूसरी बात सूर्यकुंड में भी इसी प्रकार से जो कुंड में प्रवेश के लिए जो पार्क है जो वहाँ के सौंदर्यीकरण किया गया उसमें उसके लिए एंट्री का 10 रुपये का टिकट लगाया गया है 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। और जो मंदिर है सूर्य मंदिर है, उस मंदिर का एंट्री अलग है, दूसरा गेट है, उसमें आप श्रद्धालु निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं, जो कि सूर्य मंदिर के जस्ट पीछे स्थित गेट है। जो है कुल मिला के 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं सूर्यकुंड में, 4 प्रवेश द्वारों में 1-2 प्रवेश द्वार बंद रहते हैं, अधिक भीड़ होने पर खोले जाते हैं, और 1 प्रवेश द्वार जो मुख्य प्रवेश द्वार है उससे पार्क की एंट्री है, और जो दूसरा पीछे वाला प्रवेश द्वार है जो सूर्य मंदिर के पीछे है वहां से श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क मंदिर दर्शन की व्यवस्था है।